नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2020 के गणित के हल प्रश्न पत्र का यह पार्ट 2 वीडियो। और इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक के प्रश्नों को हल कर रहा हूं। बोर्ड एग्जाम 2020 तक जो प्रश्न होते थे गणित के, या कहेंगे अन्य विषयों के भी, वो मात्र 20-20 प्रश्नों के होते थे। वर्तमान में 2023 से 50-50 प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें पार्ट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल किया था, और ये 2020 का गणित का ये पार्ट टू और अंतिम वीडियो भी कह सकते हैं। इसमें मैं प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 51 है, संख्या x और 5 का योग 12 है जो समीकरण होगा। तो जब भी हमें समीकरण बनाने के लिए दिया जाए, ये बिल्कुल समीकरण चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो प्रश्न होता है वो है। तो जैसे जैसे इसमें कहा गया है बस वैसे वैसे हम करेंगे। संख्या x और 5 का योग, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, एक्स प्लस 5 12 है, यानी बराबर 12। ये समीकरण हमारा बन गया। ये कौन सा है हमारा? ये दिए ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 में है, एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है और सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है? ना, तो यहां हमें बट्टा निकालना है। तो इसे चलिए हल करते हैं। फ्रॉक का मूल्य बराबर 440 रुपये, ये दिया हुआ है, और बट्टा दिया हुआ है 20%। तो आइए बट्टा निकालते हैं। अच्छा, ये लिख देते हैं बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत है 20%। तो वास्तविक बट्टा, हमें जो बट्टा निकालना है बट्टे की राशि, यानी वास्तविक बट्टा क्या होगा? तो बट्टा बराबर है होगा 440 रुपये का 20%। ये छोटा फॉन्ट हो गया है, इसे मैं बड़ा कर देता हूं कि कई कई बार हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा फॉन्ट बड़ा लिखें। तो चलिए ये, तो ये होगा 440 गुना 20 बट्टा 100 का अर्थ होता है गुना। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 44 गुना 2, यानी 88 रुपये। तो ये हमारा जो बट्टा हुआ है वो 88 रुपये हो गया। ये ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 53, 8 केजी चीनी का मूल्य 250 रुपया है, तो 330 में कितनी केजी चीनी प्राप्त कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि चीनी का जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाएंगे, है ना, तो वैसे वैसे उसका कुल मूल्य जो है वो बढ़ता जाएगा। अर्थात ये क्या होगा? सीधा अनुपात होगा, है ना। तो जो निकालना है उसको हम x1 मान लेते हैं, कितनी केजी ये निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1,
तो ये हो जाएगा एक्स टू और ये हो जाएगा वाई टू। तो यहां जो हमारा रिलेशन होगा सीधा अनुपात, तो वो होगा ऐसा, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। तब जो फॉर्मूला हमारा होगा वो होगा एक्स वन बाई वाई वन स्क्वायर टू एक्स टू बाई वाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर टू एक्स टू इंटू वाई वन बाई वाई टू। और एक्स टू क्या हमने लिया है, 8 kg, 8। वाई वन क्या है, 330। और वाई टू क्या हमने लिया है, ये 240। अब कैंसिल करेंगे इसे, ये 0 और ये 0, ये 8 से कैंसिल करते हैं तो 3 बार में 24 चला जाता है, और 3 से ये 33 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमें एक्स वन कितना आ गया, 11, यानी 11 kg। तो एक्स वन क्या था, जो मात्रा हमें निकालनी थी। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर टू, 11 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 54, दी गई आकृति में एक्स का मान होगा, ये आकृति दिया हुआ है, तो यहां एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये एक्स है, ये 140 डिग्री लिखा हुआ है और ये 120 डिग्री है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं, ये 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये एक रेखा पर अवस्थित दोनों कोण है तो, और हम लोग जानते हैं एक रेखा पर जो अवस्थित जितने भी कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये 120 डिग्री है तो ये बच गया कितना, 60 डिग्री, ये हो गया। अब उसी तरह से यहां ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत दो कोण हमें मिल गया, 40 और 60, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 60 और 40 100 हो गया, बच गया कितना, 80 डिग्री। अब देखिए, अब ये 80 डिग्री और ये x दोनों एक ही रेखा पर अवस्थित कोण है तो इनका योग भी तो 180 होना चाहिए, तो ये तो 80 हो गया तो ये x कितना बच गया, 100 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही आसान है, इनमें से कौन एक द्विविमीय नहीं है। तो देखिए त्रिभुज भी द्विविमीय है, वर्ग भी है, आयत भी है। ये शंकु जो है ना ये 2D नहीं है, ये 3D है। शंकु आप जानते हैं कैसा होता है, ये जो जोकर की टोपी आपने देखी है वैसा ही ये शंकु होता है, तो ये 3D होता है। प्रश्न संख्या 56, चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें 5 भाग की आवश्यकता होती है किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए। प्रश्न संख्या 57, इसमें है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण होगा। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, तो ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो इसे आप मान लें कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ये होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण
इनटू दूसरा विकर्ण, है ना। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम D1 और इसके लिए D2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 88, या इसको हम उल्टा करके लिखते हैं, एक बटा दो गुना D1 यानी पहला विकर्ण इंटू D2 यानी दूसरा विकर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्षेत्रफल यानी 88, या एक बटा दो, और एक विकर्ण यहां दिया हुआ है 11 और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है बराबर 88। तो इस समीकरण का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो D2 यानी दूसरा विकर्ण इसका टू 88 गुना ये जो दो यहां पर भाग में है या गुने में आ जाएगा बटा 11, और 11 से इसे काटेंगे तो 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8 दुना 16 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 58। एक घनाभ जिसकी लंबाई बराबर L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं? तो देखिए ये है लिटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय, इधर से लेके ये पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं तो ये हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है। ये वाला एक फलक है और एक इस तरह है, तो ये इस फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, L, और ये ऊंचाई है L इंटू H, तो ये 2 ठो हो गया L इंटू H, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसी तरह से ये वाला जो फलक है ये भी 2 है और इसका क्षेत्रफल है B इंटू H, तो ये हो गया +2BH। तो अब यहां पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 2 कॉमन है और H कॉमन है, तो यहां क्या बच गया, L+B। तो ये कौन सा है यहां पर, देखिए ये ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 59। वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप क्या है, माप क्या है, कितना है 20 से 25, तो 25 से अब 20 घटा दीजिए कितना है, 5 है, जिसे हम क्लास साइज भी इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न संख्या 60। बिंदु P 5 4 का एक्स निर्देशांक है। तो जब भी हम लोग ये निर्देशांक लिखते हैं किसी भी बिंदु का, हम लोग अगर निर्देशांक लिखते हैं तो पहला जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, एक्स निर्देशांक होता है, और दूसरा वाई निर्देशांक होता है। तो यहां एक्स निर्देशांक पूछा जा रहा है तो ये पहला क्या है, 5 है, तो ये एक्स निर्देशांक है। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम 2020 का की गणित का यह पार्ट 2 वीडियो था। धन्यवाद।